सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के तत्वावधान में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सभागार में ब्राह्मण महासम्मेलन तथा ब्राह्मण समाज की एकता के लिए जन जागरूकता का अभियान आयोजित किया गया तथा पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके संबंध में सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विजय नारायण मिश्र ने बताया कि ब्राह्मण समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज ने सभी जातियों को सनातन धर्म को लेकर के चलने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि आज के समय में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो ब्राह्मण समाज को हानि पहुंचा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जब कमजोर होगा तो सनातन धर्म कमजोर होगा, इसलिए संगठित होने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विजय नारायण मिश्र ने कहा, नेतृत्वहीन होकर दूसरे के पीछे दौड़े, हमको चाहिए सहारा। तो हम यह कहेंगे कि हम सहारा खोजें, हम खुद सहारा देने वाले बने। आंदोलन करा था क्या सुनाने की भूमिका ली, सारे लोगों को बनाया, हमारे इतिहास को बताया, लेकिन हमारा संगठन जो है किस लिए एकत्रित हुआ है, क्यों इसकी संरचना की गई है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर मेरे ख्याल से प्रकाश अच्छा तरीके से देख पा रहे। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है, 16% मुसलमान, यादव लोग हैं, 21% समस्त हरिजन जाति के लोग, बकिया सब लोग बटे हुए हैं। आपने देखा होगा सबका संगठन है, यदि किसी संगठन ने एक सभा का आयोजन बुलाया है तो मेरी इस संगठन जैसा नहीं उपस्थिति रही। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी हमारे बार के अध्यक्ष जो प्रेरणादायी हम सभी के बाप सभी को यहाँ के आप पूर्व अध्यक्ष कई बार रहे हैं और सदा आपके जिला मंत्री बनाए गए हैं, दायित्व उत्तर दायित्व विजय नारायण मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति। हमारा ये संगठन सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि ब्राह्मण समाज ने सभी जातियों को लेकर के सभी लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को चलने का काम किया है, सभी को अपने अपने विचारों से अवगत कराया है और सभी उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे अराजक तत्व तो हैं जो ब्राह्मण समाज के ऊपर इसलिए कुठाराघात पहुंचा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज कमजोर हो। जब कमजोर होगा तो सनातन धर्म कमजोर होगा, जब सनातन धर्म कमजोर होगा तो हमारे धरती पर लोग जो है तमाम तरीके से जो है छीटा कसी करते रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए सर ब्राह्मण समन्वय समिति ब्राह्मण समाज को संगठित करने और जागरूकता अभियान चला रही है। यह काम तमाम लोगों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, सहयोग है सभी लोगों का। इसलिए सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति का उद्देश्य यही है और इसके अलावा कोई अनावश्यक उद्देश्य नहीं है। और इसके अलावा यही है कि अराजक तत्व द्वारा तरह तरह की जो है जो क्रियाएं कलाप की जा रही हैं, पार्टियों द्वारा की जा रही हैं, अपने वोट बैंक बैलेंस के, वो तो ठीक है वोट किसी न किसी को देना ही है, लेकिन गलत तरीके से जो है हमारे ऊपर कुठाराघात पहुंचा करके ऐसा कोई कार्य न करे, इसीलिए हम संगठित होने पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं।